बीते दिनों केंद्र सरकार ने तुअर की तेजी पर काबू पाने के लिए स्टॉक घोषित करने का आदेश जारी कर दिया था। अब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक में तुअर पर स्टॉक लिमिट लगने की चर्चा शुरू होने की खबरें हैं। इससे मिलों की लिवाली तुअर में बेहद कमजोर देखने को मिल रही है। वहीं स्टॉकिस्टों की घबराहट पूर्ण बिकवाली बढ़ने से तुअर में मंदी का माहौल नजर आ रहा है। तुअर महाराष्ट्र सफेद घटकर 7800 से 8100, जबकि कर्नाटक 8000 से 8200 और निमाड़ी तुअर 7000 से 7600 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। वहीं तुअर दालों में भी मिलों द्वारा दामों में कटौती कर बिकवाली की जा रही है। आपको बता दें कि तुअर दाल में 200 रुपये की गिरावट एक से दो दिनों में देखने को मिली है। तुअर दाल घटकर 9600 से 9800, मीडियम 9800 से 9900 और बेस्ट क्वालिटी की दाल 10000 से 10200, जबकि नई दाल 10500 से 11200 और वहीं व्हाइट रोज तुअर दाल 11500 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रही है। इधर मसूर के आयात को लेकर भी चर्चा की उम्मीद है। इस वजह से मसूर में भी मांग का अभाव देखने को मिला है, जिससे मसूर के दामों में अभी आंशिक नरमी देखने को मिल रही है। मसूर घटकर नीचे में 6650 से लेकर 6675 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। इन दामों पर भी व्यापार बेहद कमजोर है। मूंग दाल में मिलों की बिकवाली बढ़ने और उपभोक्ता मांग के अभाव में 100 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। मूंग दाल घटकर 8500 से 8600, जबकि बेस्ट 8700 से 8800 रुपये प्रति किलो रह गई है। वहीं मूंग उड़द में कामकाज में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। भाव में कोई खास ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार की सख्ती के चलते आने वाले दिनों में दालों के अंदर मंदी और गहराती हुई नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।